हेलो एवरीवन वेलकम टू और इन दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस को समझेंगे अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स आर्टिकल फोर्टीन से रिलेट करते हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में है तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा आर्टिकल फोर्टीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे सो okay. so, आर्टिकल फोर्टीन टेरिटरी ऑफ इंडिया सो यहाँ पे हमारे दो टर्म्स है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं द स्टेट शेल नॉट अब क्योंकि यहाँ पे शेल नॉट Uh, ये टर्म यूज़ किया गया है इसका मतलब है कि द स्टेट इज बाउंड मतलब स्टेट ऐसा नहीं कर सकता ओके okay? कोई डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं है ये मैंडेटरी है देन टू एनी पर्सन अब ये फंडामेंटल राइट right का पार्ट है ऑल ऑफ अस नो दैट अब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल होते हैं बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल होते हैं मतलब बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल होते हैं पर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि टू एनी पर्सन इट मीन दैट आर्टिकल फोर्टीन जो है जो राइट टू इक्वालिटी है ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को कवर करता है मतलब राइट टू इक्वालिटी सिटीजन को भी मिलेगा और एक नॉन सिटीजन को भी मिलेगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है ये बेसिकली एक ब्रिटेन का कंसेप्ट है अब एज वी ऑल नो दैट ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जिस तरीके के लॉज हैं और जिस तरीके के लॉज का इन्फोर्समेंट किया जाता है वो काफ़ी सेंट्रलाइज होता है एंड Uh, क्योंकि एक ब्रिटि ब्रिटिश कंसेप्ट uh, है तो वहां के एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट थे डाइसी ए वी डाइसी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का सो so, हम आगे रूल ऑफ लॉ का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ सो इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे कि मैंने कहा एक ब्रिटिश कंसेप्ट है वहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है और एक नेगेटिव कंसेप्ट है नेगेटिव कंसेप्ट माने की कि ये कंसेप्ट बेसिकली मना कर रहा है स्टेट को कोई चीज करने से इट मीन्स एबसेंस ज so किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा ये किसी भी तरीके की स्पेशल प्रिवलेज को देने से मना करता है इसलिए हम इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं एंड एकक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिन लॉस यानी कि सारे ही लोग होंगे कोई भी पर्सन होगा नो no मैटर वो किस रैंक का होगा किस पावर का होगा वो सारे ही लोग ऑर्डिनरी लॉज जो होंगे जो जो सब पे, जो सब पे पे अप्लाई करते हैं तो जो बेसिक लॉज होंगे वो सब पे जिस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हर पर्सन पे अप्लाई करेंगे नो no मैटर उसकी क्या रैंक है या फिर उसकी क्या पावर है सो इट मीनस दैट एबसेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिवलेज किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल प्रिवलेज किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा एंड सारे ही लोग दे विल बी सब्जेक्टेड इक्वली टूवर्ड्स द दर्डनरी लॉज जो भी लॉज कंट्री में इन्फोर्समेंट में है वो सारे लॉज हर पर्सन पे इक्वली लगेंगे एंड सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वी नो दैट जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट रहती है सो दैट इज वाई मेन्शन देर पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में देख लेते हैं एंड एंड देन एट हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देखेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ऑफ डाइसी जैसे कि मैंने बताया हु कॉल्स इट रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड इट मीन्स दैट नो मैन इज अब लॉ एंड एवरी पर्सन हिज रैंक मे बी विल बी सब्जेक्टेड टू जोशन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। सो so बेसिकली कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है लॉ सुप्रीम है एंड हर इंसान एवरी पर्सन वट एवर इज रैंक में भी किसी भी रैंक का कोई भी पर्सन हो वो उसी जूर ऑफ ऑर्डनरी कोर्ट्स पे सब्जेक्ट होगा जिसपे एक नॉर्मल पर्सन रहेगा बेसिकली वही लॉज एंड वही कोर्ट्स एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी ट्राई करेंगे और एक कोई ऐसा पर्सन है जिसकी रैंक हायर है उसको भी वही लॉज लगेंगे और वही कोर्ट्स ट्राई करेंगे सो so, ये जो दो चीजें हैं जो जस्ट अ अड जो ये वाली लाइन है, इट ऑफ एनी स्पेशल किसी भी कोई स्पेशल प्रिवलेज किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा एंड हर इंसान जो है वो ऑर्डनरी लॉस को ही सब्जेक्ट होगा एंड कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है एंड हर इंसान को एक ही कोर्ट्स और एक ही लॉस ट्राई करेंगे देन रूल ऑफ़ लॉ के कुछ तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि एवी डाइसी ने दिए थे अब हम वन बाय वन प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जो फर्स्ट लॉ है, है वो सुप्रीम है जो लॉ है वो सोसाइटी को गवर्न करेगा जो लॉ है वो लोगों को गवर्न करेगा ऐसा नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है जो लॉ होगा उसको ही हम सुप्रीम मानेंगे लॉ गवर्न द सोसाइटी एंड द पीपल सेकेंड इक्वालिटी ऑफ लॉ इक्वालिटी ऑफ लॉ मतलब कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जैसे हम पढ़ते आए हैं आ, कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी पर्सन को नहीं मिलेगा सब लोग जो भी पर्सन होगा चाहे वो हायर रैंक का हो चाहे वो लोअर रैंक का हो वो सेम सिमिलर कोर्ट्स पे ही उसका ट्रायल होगा जैसे जैसे कि एक ऑर्डनरी पर्सन का ट्रायल जिन कोर्ट्स में होगा वही लॉज लगेंगे जो कि ऑर्डनरी पर्सन पर लगेंगे दैट इज इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अ रिजल्ट ऑफ लॉज अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एवी डाइसी हैं उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है ब्रिटिश जो ब्रिटेन में हम यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमको ये भी पता है कि ब्रिटेन में जो लॉज हैं वो रिटन नहीं है देयर इज नो कोडीफाइड लॉज जो लॉज है वो बिल्कुल भी कोडीफाइड नहीं है कोडीफाइड मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं है अब क्योंकि लॉज एक रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं है इसलिए एवी डाइसी का जो प्रिंसिपल्स था जो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स थे उसमें ये दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अ रिजल्ट ऑफ लॉज मतलब लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा पर इंडिया में ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों प्रिंसिपल्स तो हमने एज इट इज एक्सेप्ट करे हुए हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर जो थर्ड प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस तरीके से नहीं लिया गया है इन फैक्ट इंडिया में जैसे ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन शाल बी रिजल्ट ऑफ लॉस इंडिया में लॉस शाल बी रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका जस्ट ऑपोजिट है ओके okay? वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं मतलब जितने भी लॉस हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने चाहिए अगर कोई भी एक ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है तो वो लॉ वॉइड कर दिया जाएगा सो so, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन शाल बी अ रिजल्ट ऑफ लॉज की जगह होगा लॉज शैल बी अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दो प्रिंसिपल्स हमने एज इट इज एक्सेप्ट किए हैं और जो थर्ड प्रिंसिपल है क्योंकि इंडिया में वी हैव कोडिफाफाइड लॉज ब्रिटेन में कोडिफाइड लॉज नहीं थे इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लॉज का एक रिजल्ट बनाया था बेसिकली जब हम इसको डायग्राम में देखें तो इट फॉर्म्स दिस लाइक स्ट्रक्चर कि लॉज से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी लॉज अपनी वैलिडिटी को डिराइव करते हैं सो so, बेसिकली इंडिया में लॉस बी अ रिजल्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन इसका अगर हम एक प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ हमको आर्टिकल थर्टीन में मिलेगा आप अगर आर्टिकल थर्टीन देखोगे तो आपको इन दोनों ही आर्टिकल्स इन दोनों ही आर्टिकल्स में आर्टिकल थर्टीन वन में एंड थर्टीन टू में आपको ऐसे प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो इस पॉइंट को प्रूव करते हैं सो so बेसिकली जो फर्स्ट है वो ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले आया था पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है तो ऐसा लॉ वॉइड हो जाएगा और जो थर्टीन टू है वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट या फिर पार्ट थ्री के वॉयेशन में होगा और अगर स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो कि फंडामेंटल राइट या फिर जो पार्ट थ्री है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके वॉयेशन में है तो ऐसे लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सो so, दोनों ही केसेस में जहाँ पे भी कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयेशन में है या फिर फंडामेंटल बेसिकली आर्टिकल थर्टीन के अकॉर्डिंगली पार्ट थ्री जो कि फंडामेंटल राइट्स है सो so, कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन में है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा यही प्रूफ है इस थर्ड वाले पॉइंट का दैट कॉन्स्टिट्यूशन शाल बी अ रिजल्ट ऑफ लॉस की जगह हम लेते हैं लॉस शाल बी अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके मूविंग अहेड द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ इज इक्वल जस्टिस ओके हम इस स्लाइड को बाद में करेंगे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है सो so, अभी तक हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा अब हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस सो जिस तरीके से हमने देखा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है उसी तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और क्योंकि वो एक ब्रिटेन ब्रिटेन का कंसेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कंसेप्ट है एंड एक पॉजिटिव कंसेप्ट है नेगेटिव कंसेप्ट हमने उसको ये बो, इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे एबसेंस वर्ड का यूज किया गया था कि किसी भी पर्सन को, को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा यहाँ ये पॉजिटिव कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर कोई प्रिविलेज किसी पर्सन को दिया जा रहा है अगर कोई भी तरीके का बेनिफिट किसी एक पर्सन को दिया जा रहा है तो वो बाकी सारे पर्सन को भी दिया जाएगा सो so, वो स्टेटमेंट नेगेटिव था इसलिए उसको हमने एक नेगेटिव कंसेप्ट uh, बोला था और ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है इसलिए हमने इसको एक पॉजिटिव कंसेप्ट बोला है

तो so, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देन जैसे कि हमने देखा था अमेरिकन कंसेप्ट है सुप्रीमिसी ऑफ कोर्ट्स एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे फॉलो की जाती है देखिए जहाँ पे भी हम जिस भी कंट्री के लॉ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं तो वहाँ जिस तरीके की गवर्नमेंट है जिस तरीके की सोसाइटी है ये सारी चीज़ें वहाँ के लॉस को इफेक्ट करेंगी और जैसे हम अमेरिकन के बारे में पढ़ रहे हैं अगर हम एक अमेरिकन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किस तरीके की सोसाइटी है वो वहाँ के लॉस को इफेक्ट करता है ओके सो लास्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ बोथ इज इक्वल इक्वल जस्टिस हमने प्रोटेक्शन लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों के बारे में पढ़ा बट जो दोनों ही कंसेप्ट हैं उनका एक ही गोल है एक ही पर्पस है दैट इज टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सर्कल नाइनटीन फिफ्टी टू सुप्रीम कोर्ट इस केस uh, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो होता है ना वो एक सब थ्योरी ही है ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता सो आई होप आपको दोनों भी दोनों ही टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग